Yes, student of class 12. Last time का topic चल रहा था हमारा non profit organization. उसमें आपने topic देखा था भर्ती को न्यूनतम के साथ आता भर्ती और subscription. यानी आप subscription भी भर्ती दे रहे हैं. अब आज से second topic start करते हैं working of expenditure या आपसे रखते हैं working of consumer ideas. ये हमारा second topic start करता है. वर्किंग ऑफ कंज्यूमर आइडियाज़, इसमें से कुछ चीज़ों को अगर आप हटा दें तो टॉपिक हमारा वर्किंग ऑफ एक्सपेंडिचर भी कम होगा. कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमर आइटम्स के कुछ आइटम्स होते हैं जिन चीज़ों को आप यूज करते हैं उन्हें आप कंज्यूमर आइटम्स कहते हैं. लाइक स्टेशनरी, सर्जिकल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं उन्हें आप कहते हैं कंज्यूमर आइटम्स. तो अब हम आज जो टॉपिक देख रहे हैं वो इन कंज्यूमर आइटम्स की बात करके चल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कंज्यूमर कंज्यूमर यानी स्टेशनरी या स्पोर्ट्स जिससे एक चीज़ें दे रखी है तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में लेके चलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम्स का जो क्वेश्चन आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पहला आप बोलेंगे, फिर प्लस करेंगे अमाउंट पेड टू क्रिएटर्स फॉर सच आइटम्स. जो आपको उधार बार लग रहा था उनके जो क्रिएटर्स को आपने पेमेंट किया वो आपको ना कर लेना चाहिए. प्लस अगर क्वेश्चन में कैश परचेज भी दे रखा है आइटम्स का, कैश परचेज ऑफ सच आइटम्स वो भी यहाँ पर प्लस है. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सच आइटम्स इन आइटम्स का क्लोजिंग. एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको और भी मिल सकती है जो भी नहीं मिले, सेल ऑफ सच आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक. अगर आपने स्टॉक में से कुछ माल फेंक दिया है तो वो भी हमारे माइनस किया ये निकल के आता है हमारा यूज. कितना आपने यूज किया यहाँ पर यूज निकल गया. इसके बाद सब चार इंफॉर्मेशन और अगर क्वेश्चन दे रखिए माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सच आइटम्स प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सच आइटम्स प्लस ओपनिंग प्रीपेड नॉट प्री रिसीव यहाँ प्रीपेड है ओपनिंग प्रीपेड ऑफ सच आइटम्स और माइनस क्लोजिंग प्रीपेड ऑफ क्लोजिंग प्रीपेड ऑफ माइनस होना है इसके अंदर आपका क्लोजिंग प्रीपेड ऑफ सच आइटम्स. ये दोनों चीज इनके लिए क्वेश्चन में क्रिएटर्स लिखा सकता है क्रिएटर्स फॉर सच आइटम्स और इनके लिए क्वेश्चन में एडवांस पेड लिखा सकता है एडवांस पेड फॉर सच आइटम्स. इसके बाद यहाँ पर अमाउंट निकल के आएगी ये अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शुरू किया. आपका एक फॉर्मूला है जो कि कंज्यूमर आइटम्स में यूज किया था. जरूरी नहीं है उसमें सारे इंफॉर्मेशन दे रखते हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है उसका सारे दे रखते हैं. तो क्वेश्चन जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन इन्फॉर्मेशन को यूज करें. अब इन पर बेस क्वेश्चन कैसा था वो देख के चलो. क्वेश्चन आया हाउ विल यू गेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय
प्लेयर फाइनल अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2019 दिया है 31 मार्च 2020। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मैगजीन, यह 40 था, 20 था। अगला है क्रेडिट्स फॉर स्पोर्ट्स मैगजीन, ये देखिए 15 था, 18 था। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मैगजीन 6 था, 5 था। ये लास्ट में लिखा हुआ है कैश पेड टू क्रिएटर्स फॉर स्पोर्ट्स मैगजीन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1 लाख। Find the amount which you show in income expenditure. The question is, how will you give the following information while preparing the final account of sports club for the year ending 31 March 2020? 31 मार्च 2020 की इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, इन इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन आप कैसे शो करेंगे, कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है आपका स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मैटीरियल यह 40 से 30 लाख, क्रिएटर्स फॉर स्पोर्ट्स मैटीरियल 15 से 18 लाख, एडवांस पे फॉर स्पोर्ट्स मैटीरियल 6 से 5 लाख। फिर दे रखा है आपका कैश पे टू क्रिएटर्स फॉर स्पोर्ट्स मैटीरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000। Find the amount which you show in income expenditure account out of this information. In information वैसे कितनी amount income expenditure account में show की जाएगी ये आपको बताना है। इसका आप एक बार screenshot ले लेंगे, फिर मैं इसके जरा left hand side rub करूँगा, इसके आप screenshot ले लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ आप उनको यूज कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में सोल्यूशन देख लें, इसी वाले क्वेश्चन का सबसे पहले फॉर्मूला रखा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेटीरियल, जो आपका स्पोर्ट्स मेटीरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन जो कितना दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेटीरियल क्वेश्चन में देखा ओपनिंग का इधर क्वेश्चन का इधर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देखा 40,000। फिर इसमें दे रखा आपका जो हमने क्रिएटर्स को पे किया स्पोर्ट्स मेटीरियल के जो क्रिएटर्स थे, यानी जो हमने स्पोर्ट्स पर उधार कर दिया था उनको जो हमने इस साल में पेमेंट किया वो दे रखा क्वेश्चन में 1,60,000। ये पैसा इसको प्लस किया था प्लस कैश पे क्रिएटर्स फॉर स्पोर्ट्स मेटीरियल, जो क्रिएटर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स मेटीरियल के उनको आपने पेमेंट किया 1,60,000, टोटल आ गया 2,00,000। इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
स्पोर्ट्स बैटरी का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन दे रखा है आपका 30,000, 1,70,000 ये निकल के आ गया क्वेश्चन में। फिर इसको होगा माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इनकी दिए क्वेश्चन बता दो मैंने आपको क्रिएटस लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है क्रिएटस को स्पोर्ट्स मटेरियल, ये जो तरह के जो ओपनिंग ऑप्शन है और ये जो तरह के क्वेश्चन का आपके क्लोजिंग ऑप्शन, ओपनिंग ऑप्शन क्वेश्चन देखा 15,000, क्लोजिंग ऑप्शन क्वेश्चन देखा आपका 18,000। ओपनिंग ऑप्शन क्या है हमारा माइनस, क्लोजिंग ऑप्शन क्या है आपका प्लस, प्लस ओपनिंग प्रीपेड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स के लिए आपने एडवांस पे किया, और माइनस क्लोजिंग प्रीपेड ऑफ स्पोर्ट्स जो आपका क्लोजिंग है। इनके लिए बता सकते क्वेश्चन में आपको, इनके लिए क्वेश्चन में आपका एडवांस पेड लिखा हुआ सकता है, जो आपने क्रिएटर्स के लिए एडवांस पेड किया इनके लिए क्वेश्चन वो लिखा हुआ सकता है। ओपनिंग प्रीपेड जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है आपका 6,000, क्लोजिंग दे रखा है 5,000, देख लो कितनी अमाउंट निकल के आया, ओपनिंग 6,000 है, क्लोजिंग आपका 5,000, तो अमाउंट निकल के आई 20,000 माइनस के हो गए, 24,000 प्लस के हो गए, टी आई प्लस के 4,000, यानी तरीका है 1,74,000। ये अमाउंट हमारे क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शो की जाएगी। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट शो करेंगे, यही क्वेश्चन में आपको बताना था, तो क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट शो होगी वो हमारे आई थिंक कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, अब इसी क्वेश्चन में अगर हल्का सा इंफॉर्मेशन को घुमा दिया जाए, हल्की सी इंफॉर्मेशन और लाके जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर मानो ये क्वेश्चन फर्स्ट का और क्वेश्चन सेकंड में इंटर है, इसी क्वेश्चन में हल्का सा मॉडिफिकेशन करना, फॉर
जैसा आपने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन आपका इसमें भी आपको वैसे ही लेके चल रहा। सबसे पहले क्वेश्चन आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन बताया हमारा 40,000 प्लस जितना आपने कैश परचेस किया, कैश परचेस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कैश परचेस कितना आपका ये दे रखा है 50,000 प्लस कैश पेड टू क्रिएटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट किया आपने 90,000 180,000 ये प्लस माइनस होता है इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 और साथ में एक बात और बताया कि आपने 20,000 रुपये का क्वेश्चन में 25,000 दे दिए तो इसमें आपको 2500 रुपये बताने हैं जो उसकी बुक वैल्यू है जितने का वो था वो लेके चलेंगे। तो माइनस सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी बुक वैल्यू है उसकी 20, ये आ गया 1,30,000 यानी इतना स्पोर्ट्स मटेरियल डिग्री दे रहा आपने यूज कर लिया। इसका क्वेश्चन आपको क्रेडिटर्स दे रखे यानी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, तो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दे रखा आपका 15,000 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दे रखा आपका 18,000 माइनस ये प्लस आ गया 1,33,000। तो आपकी जो इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट जाएगी वो ये आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी इस चीज में आपको। तो इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कल हम आप और थोड़ा सा कराएंगे, क्वेश्चन आपका मुझसे सॉल्व तो कल आप बुक लेकर बैठेंगे कल आप उससे करवाएंगे स्टॉक बाकी इस टॉपिक में मेरे से कुछ समस्या आने नहीं चाहिए क्योंकि इस टॉपिक में हार्ड क्वेश्चन यही होते हैं। ओके थैंक यू।